हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। कितने टाइम के पीरियड बाद हम फॉर्म वर्क को रिमूव कर देंगे। तो स्ट्रक्चर मेंबर ये हमारे हो गए, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में। तो बीम्स साइड्स वॉल एंड कोलम, बीम की साइड्स वॉल और कोलम में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में 2 से 3 डे फॉर्म वर्क रिमूव कर देते हैं और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में 2 डे में फॉर्म वर्क रिमूव कर देते हैं। स्लैब के केस में वर्टिकल सपोर्ट रिमेन इंट्रैक्ट। तो स्लैब के केस में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, स्लैब में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में 4 डे में हम फॉर्म वर्क को रिमूव कर देते हैं एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में 3 डे में स्लैब के केस में रिमूव कर देते हैं फॉर्म वर्क को। स्लैब में कंप्लीट फॉर्म वर्क रिमूवल कब करते हैं? तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट केस में 10 डे में करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट केस में 5 डे में करते हैं। वीम्स में रिमूवल ऑफ सीटिंग प्रॉप्स रिमेन इंटैक्ट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में भीम में 8 डे में हम कर देते हैं और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट केस में 5 डे में फॉर्म वर्क का रिमूव करते हैं। वीम आर्च कंप्लीट फॉर्म वर्क रिमूवल अप टू 6 मीटर स्पैन के केस में, वीम और आर्च में 6 मीटर स्पैन के केस में 14 डे में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट केस में 14 डे में रिमूव करते हैं फॉर्म वर्क को और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट केस में 5 से 8 डे में रिमूव कर देंगे। वीम और आर्च कंप्लीट फॉर्म वर्क रिमूवल मोर देन 6 मीटर स्पैन ज़्यादा के लिए तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट केस में 21 डे में फॉर्म वर्क रिमूव करते हैं और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट केस में 8 से 10 डे के बीच में हम फॉर्म वर्क रिमूव करते हैं इन केस ऑफ बीम एंड आर्चेस स्पैन मोर देन 6 मीटर स्पैन और कंप्लीट फॉर्म वर्क रिमूव। दिस प्रोसेस दिस इज टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क।